हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंद मतीर दयांग बराग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ तुले बोलबे बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करी बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में हम पहुँचे हैं ये मंदिर का नाम राधा गोकुलानंद जी। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि ये कार्तिक महीना में गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम वृंदावन हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये जो गौड़ीय लाइन में आए हैं इसको कोई साधारण चीज मन समझा मत करो, क्योंकि कहते भागवत में एकादश स्कंध में बताया यहाँ तक भी ये देवता लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, दूसरे कलयुग में, क्योंकि जो कलयुग है इसका नाम ही कलयुग है, हैं बोले प्राप्ते कलयुग प्राप्त घोरे नरापुन्न विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परान्मुखा। कलयुग में सब दुराचार में रत हो जाएंगे, झूठ करेंगे, बेईमानी, भाई भाई में नहीं बनेगी और बहन बहन में, बहू बहू में नहीं और अड़ोस पड़ोस में, दे सब जगह में कलह कलह। लेकिन जिस कलयुग में हम लोग आए हैं ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है, हैं धन्य कलयुग। इसलिए हमारे श्री हैं लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं के जाबी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलयुगे रचै तन आबता तोरा के जा बिके जा बिरे भाई भाव सिंधु पार। इसलिए कति जो कलयुग है धन्य कलयुग है, जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कहते ये स्वर्ग के देवता की बात छोड़ दो, कहते सत्य त्रेतया और द्वापर, कहते ये लोग का युग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। सत्य युग को कृत्य युग मानते हैं, त्रेतया युग को कहते राम राज्य और द्वापर युग में कृष्ण आए तो जो पूर्ण ब्रह्म और सनातन है। उसी समय भी धर्म का चार चरण था, लेकिन ये कलयुग का विशेष महत्व, बोले क्या महत्व है, बोले जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए और इसी कलयुग में जो प्रेम को बोले ब्रह्मा वीरेंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली आ कंगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली
हे मन गौरवी ना नाही, आर ए मन गौरवी ना नाही आर। इसलिए कहते महाप्रभु कलयुग में उन्होंने ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु मुक्त हस्त में उनको सबको प्रदान किया। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बाजा या कर, कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, थोड़ी सी ताली बजाते हुए क्या करो, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। हाँ बोले बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। केवल इतना बोल दो, कहते वो दुर्लभ प्रेम को चैतन्य महाप्रभु दे देंगे इतने। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, हम और किसी संप्रदाय में नहीं जा करके श्री महाप्रभु को धारा भक्ति विनोद प्रभुपाद की धारा में जो आए हैं ना, ये बड़े किस्मत वालों को ये धारा मिला है। देखो जो वृंदावन में हम जहाँ जा रहे हैं ना, यद्यपि लेकिन वृंदावन पूरा हमारी गौड़ी वैष्णव का और कुछ का नहीं, यद्यपि इधर उधर ठाकुर थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन जैसे राधा वल्लभ बांके बिहारी दूसरे दूसरे मंदिर दिखता है, लेकिन आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन वृंदावन को जो राजा है ना, ये गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन, ये सप्त देवालय हमारे साथ साथ, मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद राधा मदर, इसलिए ये सात देवालय ये गौड़ीय वैष्णव का। और विशेष करके उस तरफ में मदन मोहन है, कहते उधर का राजा मदन मोहन, इसलिए जो बांके बिहारी है ना ये भी भगवान है, लेकिन कहते इनको टैक्स देना पड़ता है मदन मोहन को। बीच में गोपीनाथ जी है, ये गोपीनाथ का आसपास में जितने मंदिर भगवान के मंदिर होने पर भी कहते उनका टैक्स देना पड़ता है, और एक तरफ उनको देना पड़ता है, और एक तरफ में श्री गोविंद देव है जो जो रंगजी मंदिर है ना, रंगजी मंदिर कहते उनको टैक्स देना पड़ रहा है गोविंद देव को है, इसलिए यहाँ के लोग टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि राजा ये है, सब के सब प्रजा है, इसलिए ये सब प्रजा है, भगवान होने पर भी कहते सबके सब प्रजा है। और जितने हमारी मंदिर है ना, जितने गौड़ीय वैष्णव का मंदिर और कहीं नहीं, जैसे राधा वल्लभ जी कहते ये असली ठाकुर किसके हैं, बता श्री हित हरिवंश का, लेकिन हित हरिवंश कौन थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य इनका ही है। जैसे नाथद्वार में श्रीनाथ जी किसके हैं, ये माधवेंद्रपुरी के है, वो हमारी ठाकुर जी है। इसलिए जितने ठाकुर है ना और जितने सब हमको छोड़कर वो किसका है नहीं, हम ही सब कुछ है। वृंदा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं दूसरे दूसरे संप्रदाय में कोई कहीं इन्ने गिने कहीं एक आध कहीं ठाकुर मिल जाएंगे, लेकिन हमारी संप्रदाय में देखो इतने कथा, इतने ठाकुर जी, इतने इनकी सुंदर सुंदर कथा, ये कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इसी जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु आए ना, वो अकेले नहीं, कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्ति र प्राण। इसलिए जब भगवान पूरा धाम और परिक्रम को लेकर के आए और इन्होंने पूरा अपना गोलोक वृंदावन के जो निकुंज मंदिर को उन्होंने पूरा इस जगत में निकुंज मंदिर को उन्होंने प्रकट कर दिया महाप्रभु, इसलिए कितने हमारे गोस्वामी लोग आए, सबका अलग अलग ठाकुर। ये जो मंदिर में आए ना, अभी राधे दामोदर मंदिर में गए थे सारे, कितने गोस्वामी का वहाँ ठाकुर जी, इसी मंदिर में भी बहुत गोस्वामी का मंदिर है। ये जो मंदिर इस तरफ में जो ठाकुर देखा, कहते ये नरोत्तम दास ठाकुर का, आज उनकी आविर्भाव तिथि है, ये नरोत्तम दास ठाकुर, कहते ये नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, कहते भगवान की महाप्रभु का प्रेमावतार। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत छोड़ करके गए, बंगाल में एक पद्मा नदी, बोले पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम छोड़ करके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा महापुरुष आएंगे, कहते हैं उनको ये प्रेम दे देना, बोले पता कैसे चलेगा ये महापुरुष, लोग इतने बड़े संत हैं जिनके चरण स्पर्श होते ही तुम्हारी पानी में अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रेम उफन्न शुरू हो जाएगा।
पता चलेगा यही महापुरुष। बोले कौन? बोले श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये प्रेमावतार है, ये प्रेमावतार नरोत्तम दास ठाकुर। जब उनकी चरण स्पर्श हुई कहते हैं उस समय जो पानी अपने आप उफनने लग गया, उस समय एक हवा बही, वो हवा लग करके जिस तरफ में हवा चली गई ना, जितने हमारे गुरुवर गए हैं भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति दैत श्री माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, नितलीला प्रवेश भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, मेरे गुरु, ये जितने हमारे गुरुवर्ग है ना, सब उस तरफ में आए। पूरा पूर्व बंगाल से कोई नहीं आए इधर। इसलिए कहते मानो ये प्रभुपाद का जितने गण है ना, ये सब के सब महाप्रभु का अंतरंग परिकर, प्रभुपाद की अंतरंग सब उस तरफ से आए हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है, उन्होंने कौन सा भजन लिखे जिसका नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, भैया किसको कृष्ण प्रेम चाहे हाथ उठाओ, करा कृष्ण प्रेम चान हाथ उठलून, करा करा कृष्ण प्रेम चान हाथ उठा, किसको किसको कृष्ण प्रेम, भाई हाथ नहीं उठा रहे हो, कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए कहते किसको, तो प्रभुपाद कहते थे एक आना में ये कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। एक आना मतलब छह पैसा, प्रभुपाद कहते थे। बोले छह पैसा में मतलब क्या है? बोले ये प्रेम, इनका जो ग्रंथ था प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसी समय में एक आना छह पैसा। बोले केवल उनकी एक ग्रंथों को ले आओ, केवल घर में केवल ग्रंथों को पढ़ो और कुछ करने का जरूरत नहीं। प्रभुपाद कहते थे इनकी ग्रंथ में अद्भुत अद्भुत साधक के लिए एवं सिद्ध के लिए, दोनों के लिए इनकी भजन में बड़े सुंदर। कहते ना हरि हरि बिफले जनम गोआइनो, पाइया दुर्लभ तनो, श्री कृष्ण भजन बिनो।